नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो सीलिंग होती है उसे कौन सा प्लास्टर करवाना चाहिए। हमारे घर की छत जो होती है उसके लिए कौन सा विकल्प हमारे लिए अच्छा रहेगा, या तो वो सीमेंट प्लास्टर का या फिर जिप्सम प्लास्टर का, या फिर हम किसी भी प्रकार का प्लास्टर ना करें तो भी चलेगा। इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके बारे में जानेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप करने से सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नया हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले जो होता है दोस्तों, जब हम सीमेंट प्लास्टर कराते हैं, यानी कि जो चूना प्लास्टर होता है जो सीलिंग को कराते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम खास करके सिर्फ और सिर्फ सीलिंग प्लास्टर के बारे में बात करने वाले, मतलब वॉल प्लास्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल मेथड है जहां से हम क्या करते हैं, सीमेंट प्लास्टर कराते हैं। अब सीमेंट प्लास्टर कराने का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि जब भी हम छत सीलिंग प्लास्टर कराते हैं, सबसे मेन डिसएडवांटेज सीमेंट प्लास्टर का ये आ जाता है दोस्तों कि कॉस्ट। सीमेंट प्लास्टर के लिए क्या होता है दोस्तों, आपको जो है सीमेंट लगता है, रेती लगती है, चूना लगता है, पानी लगता है और लेबर रेट लगता है। इन सभी को अगर जोड़ ले तो इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तो और होता यह है दोस्तों कि सीमेंट के रेट तो पहले से ही ज्यादा है, और तो और रेती के रेट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से होता यही कि इसको बनाने का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। ये एक पहला डिसएडवांटेज आ जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज इस चीज का ये हो जाता है दोस्तों कि सीलिंग के ऊपर होता यही कि आपने देखा होगा कि वाइब्रेशन की वजह से या फिर एयर बबल की वजह से या फिर थिकनेस की वजह से जो है सीमेंट प्लास्टर जो है वो नीचे गिर जाता है, या तो वो प्लास्टर करने के दूसरे दिन गिर जाता है या फिर 5-6 महीने बाद गिर जाता है। तो इनके बेसिक रीजन जो है यही होते हैं दोस्तों, एक तो थिकनेस, वाइब्रेशन और एयर बबल, ये 3-4 मेन रीजन होते हैं। तो ये प्लास्टर जो है ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे वक्त में इसका थोड़ा वजन ज्यादा होता है, और जो नीचे कोई भी इंसान हो तो उसे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये अच्छी बात नहीं हो जाती, और बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि सीलिंग प्लास्टर गिरता है। हालांकि कुछ जगह पे सालों साल चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो फिनिशिंग होती है उस सीमेंट प्लास्टर की, यानी कि चूना प्लास्टर की, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो जहां तक हम बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे हम जिप्सम प्लास्टर से, तो जानेंगे कि जिप्सम प्लास्टर के क्या एडवांटेज है दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि आपने पिछली वीडियो में तो बताया था कि जिप्सम प्लास्टर से सीमेंट प्लास्टर आप कीजिए क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ है। मैं आज भी वही चीज कहता हूँ कि जिप्सम प्लास्टर से जो है वो चूना प्लास्टर अच्छा ही है, पर वो वॉल के लिए। जब बात आती है सीलिंग की, तो ऐसे वक्त में सीलिंग के लिए जो है जिप्सम प्लास्टर के थोड़े से ज्यादा एडवांटेज आ जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो है आप सीलिंग जिप्सम प्लास्टर की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब जिप्सम प्लास्टर में होता यह है दोस्तों, अब इसे जो है मेन एक ही मटेरियल लगता है, वो होता है जिप्सम, और दूसरी चीज इसमें पानी और लेबर, ये 3 चीजें लगती है। सीमेंट प्लास्टर की तरह इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगती, तो इसका डेफिनेटली कॉस्ट वहां पर ही कम हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो फिनिशिंग होती है, तो फिनिशिंग इस प्लास्टर की बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ही बहुत जगह पे पतरा फिनिश जिप्सम प्लास्टर जब हम करते हैं तो ऐसे वक्त में उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों। उसके बाद में इससे टाइम भी कम लगता है, और तो और अगर आपकी सीलिंग गलती से गिर भी जाती है तो ऐसे वक्त में आपकी किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होती, क्योंकि इसकी थिकनेस कम होती है। तो ये एडवांटेज आ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर और एक चीज हो जाती है दोस्तों कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा, यानी कि किसी मॉल में या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि वहां पर सीलिंग को प्लास्टर नहीं कराते, वहां पर जो है वो जिप्सम प्लास्टर भी नहीं करते, वहां पर वो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली कलर मार देते। वहां पर जो है दोस्तों जो सीलिंग की हाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा करके वहां तक नजर नहीं जाती, तो इस वजह से वहां पर प्लास्टर करने की कोई जरूरत नहीं होती। ऊपर से जो है बहुत पावरफुल लाइट्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं, तो इसकी वजह से हमें ऊपर का कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो लोग वहां पर प्लास्टर की तरफ नहीं जाते। और तो और उसकी आरसीसी की फिनिशिंग भी इतनी अच्छी होती है कि वहां पर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन आपको सबसे महत्वपूर्ण ये बताऊंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप प्लास्टर करा रहे या फिर सीमेंट का कीजिए या फिर जिप्सम का कीजिए, पर आपको क्या करना है, जो आपकी छत होगी तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रखनी है। आपकी जो छत की फिनिशिंग जितनी अच्छी आएगी दोस्तों, तो उतना आपको सीमेंट प्लास्टर को भी या फिर जिप्सम प्लास्टर को भी उतना कम लगेगा, और तो और जो थिकनेस होगी दोस्तों मटेरियल की वो भी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा थिकनेस हो जाएगी उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे कि वो छत से नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि आपका जो छत होगी उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। और तो और जब आप फिनिशिंग देते यानी कि टाचा मारते या फिर उसको क्लीन करते, तो ऐसे वक्त में आपको पूरी तरह से क्लीन कर लेना है, उसको किसी भी प्रकार के एंडुलेशन नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे आखिर में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वॉल के लिए जो है आप सीमेंट प्लास्टर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि चूना प्लास्टर की तरफ जा सकते हैं। छत के लिए यानी कि सीलिंग के लिए जो है आप जिप्सम पतरा फिनिश प्लास्टर की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर थोड़े से आपको दिक्कत हो सकती है, पर इसके एडवांटेज भी आप उठा सकते हैं। और बहुत सी जगह पे ये स्टार्ट हो गया कि लोग क्या करते हैं, वॉल के लिए जो है चूना प्लास्टर लगा देते हैं और छत के लिए जो है जिप्सम प्लास्टर कर देते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन एक तरफ से आ जाता है दोस्तों, और बहुत सी जगह पे ऐसा किया जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया दोस्तों, ये खास करके उस जगह पे काम में आएगा जहां पर सीमेंट के रेट तो ज्यादा है बल्कि रेत की भी रेट बहुत ज्यादा है। जैसे कि अपने महाराष्ट्र में जो है रेत के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि
आपको रेत का कम इस्तेमाल हो सके, तो ये एक पर्याय आ जाता है दोस्तों। सबसे मेन एडवांटेज इसका यही है कि इसको रेत नहीं लगती। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप अपने घर के छत के लिए फॉल सीलिंग कराने वाले हो तो ऐसे वक्त में ऊपर के तरफ अगर आपने छत के लिए कोई भी प्लास्टर नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि फॉल सीलिंग की वजह से जो है वो प्लास्टर जो है वो छुप जाएगा और वो करके भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए जो है आप वहां पर प्लास्टर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और दोस्तों, ये जो प्लास्टर है, जो जिप्सम प्लास्टर है, ये किस जगह पे आपको नहीं करना, जहां पर ज्यादा डैम्पनेस है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर या फिर आपके छत लीकेज है, तो ऐसे वक्त में आप उस जगह पे जो है आप जिप्सम प्लास्टर की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। अब दोस्तों, जैसे पहले एक पॉइंट में मैंने कहा था कि पानी के साथ अगर संपर्क आता है जिप्सम का तो वो जिप्सम के लिए अच्छी बात नहीं होती, पर छत के तरफ इतना पानी के ज्यादा संपर्क नहीं आता, इसीलिए आप छत के तरफ जो है जिप्सम प्लास्टर की तरफ जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इस चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखेंगे सिर्फ 1000 लाइक का। और आपके कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाना, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।